दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर फुकरा इंसान ने मनीषा रानी को शो जीतने के बाद 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। जी हां दोस्तों, यहां पर मनीषा रानी और जो फुकरा इंसान है वो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान मनीषा रानी ने फुकरा इंसान को बताया कि मैं जब फालतू में बैठी थी उस समय मैंने मैनिफेस्ट किया था कि जब हम फिनाले में होंगे उस दौरान सलमान खान हम दोनों को स्टेज पर लेकर हमारे हाथ पकड़कर खड़े रहेंगे और बेबिका से पूछेंगे कि एक बात बताओ तुम्हारे अनुसार कौन शो जीत रहा है। और इस पर बेबिका बोलेगी कि मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही डिजर्विंग नहीं है, इनको ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए। जिसके बाद मैं यहाँ पर बेबिका को जवाब दूंगी कि जो डिजर्व नहीं करता था वो वहाँ पीछे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मनीषा की ये बात सुनकर फुकरा इंसान को हंसी आ गई। हालांकि फुकरा इंसान ने यहाँ पर मनीषा के मजे लेते हुए कहा कि तू देख ज्यादा मैनिफेस्ट मत किया कर, और अगर तू मैनिफेस्ट करती है तो मेरे को विनर रखा कर, ठीक है, तू हमेशा रनर अप रहेगी। जिसके बाद मनीषा ने कहा कि भाई मैं ऐसा क्यों करूंगी, जब मैं अपने लिए सोच रही हूँ तो मैं तो अपने आप को विनर बनाऊंगी। जिसके बाद फुकरा इंसान ने यहाँ पर मजे लेते हुए कहा कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए भी तो दूंगा अगर जीत गया तो। और ये सुनकर मनीषा काफी खुश हो गई। हालांकि मनीषा ने कहा कि बेटा मैं इतनी महान भी नहीं हूँ जो कि ट्रॉफी छोड़ दूंगी 10 लाख रुपए के लिए, मेरे को अगर लगेगा कि मैं जीत रही हूँ तो पहले मैं अपने आप को आगे रखूंगी। जिस पर दोस्तों फुकरा इंसान ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए यार, हम में से कोई भी जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भी जीतेगी तो मुझे उतनी ही खुशी होगी। फिलहाल दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या है कि ना अपनी राय कमेंट में बताएं। यदि आप भी फुकरा इंसान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।